दोस्तों लखनऊ और दिल्ली के मैच के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद रिकी पोंटिंग भड़क गए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कृष्णप्पा गौतम की पहली गेंद पर मिचेल मार्श शॉट खेलने जाते हैं और गेंद उनसे बीट हो जाती है, जिसके बाद क्विंटन डिकॉक ने कैच पकड़ा और आउट की अपील की। ऑन फील्ड अंपायर ने भी उसे आउट दे दिया। मिचेल मार्श बिना कोई रिव्यू लिए पवेलियन की ओर चले गए। लेकिन दोस्तों, जब रिप्ले में देखा गया तब साफ तौर पर देखा जा सकता था कि गेंद ने बल्ले से संपर्क ही नहीं किया था। अगर मिचेल मार्श DRS ले लेते तो वो बच जाते। कृष्णप्पा गौतम भी चौंक गए थे। अंपायर के फैसले से रिकी पोंटिंग काफी निराश लगे। दिल्ली की मैनेजमेंट भी काफी नाखुश लगे। दोस्तों, दिल्ली पहले ही खराब अंपायरिंग का शिकार हो चुकी है। आपकी राय में यहाँ किसकी गलती थी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।